रेडी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशान मंगा। आई हैव बीन लिविंग इन मेलबर्न सिंस पास्ट कपल ऑफ इयर्स। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम स्विनबर्न लास्ट ईयर ओनली। लाइक आई डिड बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, सो आई हैव एक्सपीरियंस लिविंग इन सबर्ब्स एज वेल एज इन सिटी। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई टेल यू अबाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मेलबर्न। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। On the basis of my experience, I share some numbers and estimated figures, जिससे आपको एक idea लग सके कि cost of living in Melbourne कैसा है। So first thing first comes the rent. अगर आप city में रह रहे हो तो आपका rent बहुत ज़्यादा high होगा। अगर आप suburbs में रह रहे हो तो आप you can save a lot of money actually. अगर आप city में रह रहे हो तो आपका per month का starting price 1200 Australian dollars से start होता है, and then it can go up to you know 1500 Australian dollars and 2000 Australian dollars. तो वो बढ़ता रहता है डिपेंडिंग ऑन योर लग्जरी एंड आपको कितना स्पेशियस रूम चाहिए, आपको कितनी प्राइवेसी चाहिए उस हिसाब से। एंड देन इफ यू आर लिविंग इन सबर्ब तो आपका स्टार्टिंग प्राइस हो सकता है $400-$500 लेट्स से, एंड इट कैन गो अप टू 600-700 एंड मैक्स टू मैक्स $800। और उसमें भी इफ यू वॉन्ट टू लिव विद योर रूम मेट, अगर आपको रूम शेयर करना है तो वो और सस्ता हो जाएगा। सो लाइक आई नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो सबर्ब्स में रहते हैं, उनका पर मंथ है अराउंड लेट्स से 600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और वो दो लोग साथ में रह रहे हैं तो पर पर्सन का पड़ जाता है 300 ईच। सो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं सिटी में रहता हूँ और आई लिव इन टू बेडरूम टू बाथरूम अपार्टमेंट जिसका रेंट है 4300, विच इज क्वाइट ह्यूज। पर मेरे को थोड़ा रीजनेबल पड़ जाता है बिकॉज आई लिव विद थ्री ऑफ माई अदर रूममेट्स। सो हम चार एक साथ रहते हैं टू बेडरूम अपार्टमेंट में, जिससे हमको पर पर्सन अराउंड $1100 पड़ जाता है, विच इज रीजनेबल इफ यू आर लिविंग इन सिटी। तो द नेक्स्ट थिंग कम्स द बिल्स। अगर आप सबर्ब्स में रह रहे हो या भले अपार्टमेंट्स में रह रहे हो तो बिल्स तो आएंगे ही। तो बिल्स आपके हो सकते हैं जैसे वाटर बिल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गया, अगर आपके घर में वाईफाई लगा है तो इंटरनेट बिल्स हो गया, मोबाइल के प्लान्स हो गए। तो अगर मैं उन सबको वन मंथ में एस्टिमेटेडली बताऊं तो इट्स अराउंड $150 AUD में आपका ये सारा इंक्लूड हो जाएगा। एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन योर मोबाइल प्लान्स कि आपने कौन सा मोबाइल प्लान लिया है, इफ इट्स एक्सपेंसिव और इफ इट्स चीप और लाइक आपके आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो इट्स अराउंड लाइक $100-$150-$200 इतने के बीच में आपका हो जाएगा। सो नाउ वील टॉक अबाउट ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज में अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आपका स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा करनी पड़ेगी ग्रोसरीज में, क्योंकि आपके जब आप नए नए आते हो आपके पास कुछ भी नहीं होता, यू डोंट इवन हैव स्पाइसेस पल्सेस नथिंग। सो आप स्टार्टिंग में आके यू हैव टू इन्वेस्ट मोर लाइक लेट्स से अराउंड $300 आप सारा अपना किचन वगैरह सेटअप करोगे, आपके हर चीज आटा चावल राइस एवरीथिंग। हाय ध्रुपद। ओके, तो जब आप एक बार इन्वेस्ट कर लोगे तो इवेंचुअली जो आपकी नेक्स्ट वाली परचेज होगी वो थोड़ी कम होगी, लेट्स से $200, फिर नेक्स्ट मंथ की और कम होगी $150, बिकॉज आपके पास चीजें ऑलरेडी पड़ी होंगी और वो अचानक से तो खत्म होगी नहीं। जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया और बेसिक चीजें, तो उसके बस ज्यादातर खर्चे आते हैं, विच इज अराउंड $150-$200 पर मंथ का आपको ग्रोसरीज पड़ जाएगा। तो द नेक्स्ट थिंग कम्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो इफ यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपका पर डे का कॉस्ट आपका $10 अराउंड हो जाएगा। ओके, सो सारे रूममेट्स मेरे अभी आ रहे हैं। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, हमारा पर डे का कॉस्ट $10 हो जाएगा। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग यू नो लेट्स से 3 days a week या 4 days a week, 3 days तक रखो तो बेटर है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी 3 दिन रहती है तो आपका $30 पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में चला जाएगा। सो ऑन एन एवरेज मंथली आपका पड़ जाएगा $120-$150। और अगर आपका इससे ज्यादा होता है, अगर आपको आप 4 दिन से ज्यादा ट्रैवल करो, आप 5 दिन ट्रैवल करो, 6 दिन ट्रैवल करो, सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू गेट अ माइकी पास। माइकी हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड होता है तो उसका एक पास मिलते हैं, आप वो ले सकते हो। या फिर इफ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप बैचलर्स करो तो आपकी यूनिवर्सिटीज में भी आपकी काफी कंसेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर भी बात कर सकते हो तो आपको कंसेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरटेनमेंट एंड बाहर का खाना पीना। एंटरटेनमेंट में आ गया आपकी मूवीज देखना, आपका शॉपिंग करना, आपका घूमना फिरना। तो एंटरटेनमेंट पर मंथ आपका $150 तक हो जाएगा, अराउंड $150 में आपका शॉपिंग वगैरह मूवीज शूवी देखने जो भी करना है तो आपका $150 में सारा हो जाएगा। एंड देन कम्स की अगर आप बाहर खाना पीना कर रहे हो, बाहर खाना पीना आपका लेट्स से हफ्ते में अगर आप 2 दिन भी करते हो या 3 दिन भी करते हो तो आपका मंथली हो जाएगा अराउंड $150-$200। और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खा रहे हो, आप कितना सेव कर रहे हो। एंड ऑनेस्टली इफ आई से कि अगर आप जॉब ज़्यादा कर रहे हो और आपके पास खाना बनाने का टाइम नहीं है, सो दैट्स फाइन कि आप बाहर खा सकते हो समटाइम्स, बट अगर आप घर पे बनाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा सेव होएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई कीप ऑन पोस्टिंग engaging content for international students on my Instagram. अगर आपने मेरा Instagram check out नहीं किया तो do check out, check it out that as well. And
Hope to see you in the next one. See you. Bye-bye.